एक बार फिर खिलाड़ियों की मंडी सजने को तैयार है, जहां पर काफी खिलाड़ी मालामाल होते हुए दिखाई देंगे और ऐसे में इस बार 8 की जगह 10 फ्रेंचाइज जो है ऑक्शन टेबल पर उतरेगी एक मैच खेलने के लिए और कोशिश रहेगी कि अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को अपने खेमे में शामिल करे ऐसे में हर टीम। वेल, सबसे ज्यादा निगाहें इस वक्त रहेंगी तो नई फ्रेंचाइज के ऊपर और यहां पर बात कर रहे हैं हम नई फ्रेंचाइज लखनऊ के बारे में। हाय, मेरा नाम है सारांश क्रिकेट इन इंडिया से और हम बात कर रहे हैं यहां पर, विश्लेषण कर रहे हैं और ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कौन से खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर सकती है लखनऊ की नई फ्रेंचाइज। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें टीम ने ऑलरेडी रिटेन किया है या फिर कहें कि पहली बार अपने खेमे में शामिल किया है। सबसे पहले बात करते हैं केएल राहुल के बारे में। अभी तक फिलहाल सबसे महंगे खिलाड़ी माने जा रहे हैं और ऐसा भी माना जा रहा है कि श्रेयस अय्यर जो है वो सबसे महंगे हो सकते हैं इस साल आईपीएल में, पर अभी तक फिलहाल केएल राहुल सबसे महंगे और कप्तान भी बनाए गए हैं लखनऊ टीम के। वेल, उसके बाद मार्कस स्टॉइनिस को 56 मैचेस खेले हैं इन्होंने और 914 रन इन्होंने बनाए हैं अपने आईपीएल के करियर में, तो ये इनका रिकॉर्ड मैंने आपके सामने शेयर किया जो कि ऑलरेडी टीम में शामिल किए जा चुके हैं। वेल, बात करते हैं रवि बिश्नोई की, तो 9 मैचेस खेले हैं और 12 विकेट्स इन्होंने लिए हैं और शायद इसी परफॉर्मेंस की बदौलत मुझे लगता है कि लखनऊ ने इनके ऊपर भरोसा दिखाया है और इन्हें अपने खेमे में शामिल किया है। वेल, अगले प्लेयर जो कि हैं देवदत्त पडिकल, इन्होंने 14 मैचेस खेले हैं और 411 रन बनाए हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले सीजन जो 2 किश्तों में यहां पर आईपीएल हुआ था उसमें 2021 में इन्होंने 101 रन की पारी भी खेली थी, जिसकी वजह से लखनऊ की टीम इनके ऊपर दाव लगा सकती है और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि थोड़ा मोटा दाव इनके ऊपर खेल सकती है। वेल, एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जिसके ऊपर लगभग हर फ्रेंचाइज एक बार कोशिश तो जरूर करके देखना चाहेगी और एक स्पेसिफिक बजट इनके लिए जरूर रखना चाहेगी, क्योंकि इंडियन टीम के खिलाफ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी हाल ही में विकेटकीपर और बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने और शतक भी बनाया इंडिया के खिलाफ। तो ऐसे में इन पे निगाहें रहने ही वाली है लखनऊ की फ्रेंचाइज की, क्योंकि एक फुल टाइम विकेट कीपर तलाश करेंगे और आपके पास में बैकअप विकेट कीपर के तौर पर कप्तान खुद भी मौजूद है। वेल, अगर बात करते हैं उसके बाद सुरेश रैना की, तो एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में वहां पर मिल सकता है लखनऊ को और लखनऊ से थोड़ा सा रिश्ता नाता भी सुरेश रैना का रहा है। वहां पर कई सारे मुकाबले जो है उन्होंने खेले हैं, डोमेस्टिक मैचेस जो है काफी सारे वहां पे खेले हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि होम फ्रेंचाइज होने के नाते सुरेश रैना को शामिल किया जाए खेमे में, जिससे ब्रांड बिल्डिंग में भी कहीं ना कहीं लखनऊ फ्रेंचाइज को थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो ये एक स्मार्ट मूव देखने को मिल सकता है लखनऊ की तरफ से, जिस तरह से इन्होंने रवि बिश्नोई, मार्कस स्टॉइनिस और केएल राहुल को ऑलरेडी अपनी टीम में शामिल किया है, तो ये एक स्मार्ट मूव जरूर खेल सकते हैं। अगले खिलाड़ी जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, लॉर्ड नाम से हम इन सबको जो है जानते हैं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर शार्दुल ठाकुर के बारे में और केएल के साथ में एक कॉन्वर्सेशन का वीडियो जो है वो बाहर आया था कि क्या बजट है इस बार आईपीएल का और क्या लगता है क्या हो सकता है। तो ऐसे में युजवेंद्र चहल ने मजे लेते हुए कहा था कि भगवान के लिए बजट थोड़ी होता है, तो ऐसा लग रहा है कि इनके कॉन्वर्सेशन से केएल राहुल जो है भरोसा दिखा सकते हैं शार्दुल ठाकुर पे और उनके पीछे बिड कर सकते हैं और शार्दुल पे सभी टीम्स बिड करना भी चाहेंगी, क्योंकि ऐसे में उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी आई हैं पास्ट अगर आईपीएल रिकॉर्ड उनके देखे जाए तो। एक खिलाड़ी जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की थी और वो खिलाड़ी ऐसा है जिसने अपने 100 विकेट पूरे किए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और फिर से एक बार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, गुगली कमाल कर रही है, लेग स्पिन भी कमाल कर रही है, बैट्समैन के मन में डाउट आ रहे हैं कि गुगली डालेंगे या फिर लेग स्पिन डालेंगे और ऐसे में विकेट जो है वो चटका रहे हैं, लगातार गुच्छों में विकेट ले रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर युजवेंद्र चहल के बारे में, तो युजवेंद्र चहल के ऊपर भी दाव खेलती हुई दिखाई दे सकती है लखनऊ की फ्रेंचाइज और मोटा पैसा इनके ऊपर खर्च किया जा सकता है। वेल, एक और साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी जिसके ऊपर निगाहें रहेंगी लखनऊ की फ्रेंचाइज की, मैं बात कर रहा हूं यहां पर वेंडल डुसेन से, जिससे सारे गेंदबाज जो हैं फिलहाल डरे हुए हैं जिस तरह की बल्लेबाजी ये करते हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं और लंबे लंबे हिट्स लगाने की भी क्षमता जो है इनके अंदर मौजूद है। वेल, अगले खिलाड़ी जिनकी बात मैं आपसे कर रहा हूं वो है फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट से कगिसो रबाडा, जिनके ऊपर आप पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की, अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करें तो। अगले खिलाड़ी एक बार फिर यहां पर साउथ अफ्रीकन प्लेयर पर भरोसा दिखाएगी ज्यादा मुझे लगता है लखनऊ की टीम, क्योंकि नजर रखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पे सारी फ्रेंचाइज और ऐसे में एडन मार्करम अगर इनकी बात करें 6 मैचेस इन्होंने खेले हैं आईपीएल में और 146 रन बनाए हैं। इंटरनेशनल में अगर बात करें इनके स्ट्राइक रेट की, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है अगर आईपीएल जैसी लीग के बारे में बात करें, तो 120 के ऊपर इनका स्ट्राइक रेट रहा है इंटरनेशनल टी20 मैचेस में,
तो अगर ऐसा स्ट्राइक रेट आपको थ्री डाउन या फिर मिडिल ऑर्डर में मिलता है तो ये सोने पे सुहागा होगा टीम के लिए, अगर ये एंड में आकर बड़ा नुकसान कर दें सामने वाली टीम को और काफी रन्स उन ओवर्स में निकाल ले। तो एडन मार्करम के ऊपर भी यहां पे दाव खेलती हुई दिखाई दे सकती है लखनऊ की टीम। वेल अगला प्लेयर वो जिसका नाम है राहुल तेवतिया, 14 मैचेस खेले, 8 विकेट लिए और 155 रन्स भी बनाए हैं, तो आपको काफी बैलेंस परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलती है गेंद से भी और बल्ले से भी। और अगर कोई खिलाड़ी दोनों तरह से कंट्रीब्यूट कर दे और फील्डिंग भी थोड़ी ठीक ठाक करते हैं तो अगर तीनों डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दे तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन टीम के लिए हो जाता है। और अगर टी20 मुकाबलों की बात करें तो इसी तरह की परफॉर्मेंसेस चाहिए होती जहां पर हर डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है किसी भी टीम के लिए। वेल एक और नाम ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि सिर्फ एक ही तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते और ट्रेंट बोल्ट जिस तरह का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं पूरे डिपार्टमेंट को संभाल सकते हैं। अगर आपके पास में कगिसो रबाडा नहीं खेल पा रहे हैं, इंजर्ड हो गए कुणाल कास्ता, तो ऐसे में एक बैकअप तेज गेंदबाज आपको चाहिए जो कि फ्रंट लाइन पर आ सके और जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सके। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है कि लखनऊ की फ्रेंचाइज अपना दाव खेल सकती है, जिसके पीछे हमने पूरी रिसर्च की है और आपके सामने ये नाम जो है पेश किए हैं। वेल आपको क्या लगता है कि लखनऊ और केएल राहुल किन खिलाड़ियों को अपने खेमे में शामिल करेंगे, ये आप हमें जरूर यहां पर कमेंट करके बताएंगे और अपनी राय प्रतिक्रिया सब कुछ आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं हमसे। और वीडियो पसंद आया है आपको तो इसे लाइक जरूर करेंगे, साथ ही अपने लखनऊ वाले या यूपी वाले दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस आप कहीं मिस ना कर दें। मेरा नाम है सारांश, थैंक यू सो मच।